आप ट्राई द लुईस स्ट्रक्चर, हम पहले सबसे पहले सेंट्रल कार्बन लिखेंगे या सेंट्रल एटम लिखेंगे। यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, जिसके आसपास बाकी एटम जो है वो अलाइन है। अब सेंट्रल एटम के आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, कार्बन से राइट, कार्बन इज हैविंग फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हुए हैं यहाँ पे। अब मेरे पास तीन ऑक्सीजन एटम है, तो रैंडमली मैं कोई भी पोजीशन पे तीन ऑक्सीजन एटम लगा दूंगा, राइट। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन दिस इज 2 6। अब 1 2 3 4 5 and 6 यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6 ठीक है। तो ये मेरे 6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तीन। अब अगर मैं असाइन करूं देख लेते हैं क्या सबके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। सो सी, अगर मैं इस ऑक्सीजन का देखूं 1 2 3 4 5 6 एंड इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं ऑक्टेट में, 1 2 3 4 5 6 7 इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं ऑक्टेट में, सेम इसके भी 7 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि ऑक्टेट टू ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्बन पर देख दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको असाइन कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको असाइन कर देते हैं, तो इसके भी एट हो गए, इसके भी एट हो गए, जैसे सारे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है। ऑक्टेट अब रह गए इन दोनों की बात, ये वाला ऑक्सीजन रह गया और ये वाला कार्बन रह गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर
Similarly, you can write down the structure for nitrate. So that is NO3 negative ion. ठीक है, again negative है, यानी कि एक electron इसके बीच में कहीं ना कहीं utilize हुआ होगा, right? Negative है, तो ये जो extra electron है, ये आपने utilize करना है। ठीक है, so this is the structure of NO3 negative. ये कैसे बनेगा देखिए, नाइट्रोजन इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, नाइट्रोजन इज हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन्स मैंने अटैच कर दिए, राइट? अब आप देख सकते हो इट इज हैविंग NH4 और वो भी पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि इसके साथ अब कौन आपको मिल रहा है, H पॉजिटिव आयन मिल रहा है। तो H पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन आ रहा है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट? तो ये एक तरह से डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन की एग्जांपल है, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटिव बॉन्ड वेयर द कंबाइनिंग हाइड्रोजन इज हैविंग नो इलेक्ट्रॉन टू बी शेयर्ड। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन देगा फॉर द शेयरिंग पर्पस। ठीक है, नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा यूजिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ NH4 पॉजिटिव आयन इज फॉर्म। दिस इज हाउ NH4 पॉजिटिव आयन इज फॉर्म। सो इन दिस वे यू हैव टू स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आपको फॉर्म करके देखने हैं, क्योंकि पेपर में आपको कोई भी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर थे, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, राइट? नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट इज कॉमन चार्ज। कांसेप्ट ऑफ कॉमन चार्ज, एज यू कैन सी I have write down the some structures like CO3 2 negative, SO4 2 negative, NO3 negative, NH4 positive, right? तो ये इनके ऊपर यहाँ से ही चार्ज आ कहाँ से रहा है, right? इन जो compounds हैं, right? These compounds they are having some charge, either positive charge. From where that charge is basically coming? ठीक है? तो ये चार्ज कहाँ से आता है अब हम वो स्टडी करेंगे, बिकॉज इन द फॉर्मल चार्ज वी विल बी कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल एटम। हमें सिंगल सिंगल एटम के ऊपर क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, फिर हम ये देखेंगे कि किसके चार्ज के कारण, किस एटम के चार्ज के कारण जो पूरा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज होगा। ओके, गेटिंग द पॉइंट? We will be now finding out the charge of the individual atom and then we will be finding out the overall charge on that species. ठीक है, तो formal charge calculate करने का formula क्या है? It is equal to number of valence electrons right? जो भी हम central atom ले रहे हैं या जो भी एटम ले रहे हैं उसके हमने क्या देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं।
उसमें से हमने माइनस कर देने हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड है, जो शेयर्ड नहीं है, जो खाली पड़े हुए हैं, जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, राइट। जैसे मैं ऑक्सीजन के लिए एटम बनाती हूं ना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये कौन से हैं जो अनशेयर्ड, जो बॉन्डिंग में या शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, कोवलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में, जो मर्जी शेयरिंग आप कर रहे हो उसमें ये इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है, दे आर अनशेयर्ड, ऐसे ही पड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे आर एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें से हमने माइनस कर देना है हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से हमने माइनस कर देना है हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर द सिंपलेस्ट वन अमोनिया आयन, NH4 पॉजिटिव के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि हमें सारे एटम्स का देखना है, ठीक है, तो हम सारे एटम्स में से सबसे पहले नाइट्रोजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन एटम में, 5, राइट, नाइट्रोजन इज हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से हमने माइनस कर देने हैं अनशेयर्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अनशेयर्ड कितने हैं और शेयर्ड कितने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर फर्स्टली, तो ये स्ट्रक्चर है इसका लाइक दिस, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल आर इन व्हाट, सो अनशेयर्ड इज 0, माइनस हाफ ऑफ शेयर, कितने औरों के साथ उसमें शेयरिंग की हुई है, देखो नाइट्रोजन ने इसके साथ भी शेयरिंग की है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो 8 शेयर्ड हुए ना उसके, हाँ जी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए उसके, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। सो नाइट्रोजन का चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 - 4 डैट इज 5 - 4 डैट इज 1। सिमिलरली अब हमने दूसरों के लिए भी कर लेने हैं। अब देखो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन सेम है, हियर ऑल हाइड्रोजन दे आर ऑफ सेम नेचर, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है। अगर ऐसा कुछ होता, सपोज दिस इज नॉट द केस बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सपोज, ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजन अलग थे, ये दोनों हाइड्रोजन अलग थे, तो हमें इन दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा, इन दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पर सारे हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, तो हम एक का अगर निकाल लेंगे तो डैट मीन्स वो सबके लिए ही निकल जाएगा, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर द हाइड्रोजन नाउ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 - यहाँ पर भी अनशेयर्ड कोई नहीं है, कोई लोन पेयर हमने नहीं लिखा हुआ, डैट इज माइनस हाफ। अब जब हमने लिखना है तो एक हाइड्रोजन के लिए पहले देखेंगे एक हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए हुए हैं, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन दे आर शेयर, सो 1 - 1 = 0, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर 0 चार्ज है, ये सारे हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, 0 चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिखा है दिस इज ओनली ड्यू टू द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया है 1, ओके। सो इन दिस वे वी विल बी कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज, सो नाइट्रोजन इज हैविंग द +1 चार्ज। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द कार्बोनेट आयन, प्लीज डू इट फॉर द कार्बोनेट आयन एंड गिव मी योर आंसर। सेम आप कार्बोनेट आयन के लिए करें और मुझे आंसर बताइए, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन सेम है, एक ऑक्सीजन डिफरेंट है, यानी कि 1, 2 और 3 एटम्स हैं आपके पास, तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो मैं इसको नाम कह देती हूँ, इसको 1 कह देते हैं, इन दोनों के लिए हम 2 टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं,
ठीक है। और जो थर्ड आइटम है वो मेरा हाइड्रोजन, तो आपने वन टू और थ्री तीनों के लिए चार्ज कैलकुलेट करना। हाँ जी करिए बेटा, टू एट एंड गिव मी योर आंसर। व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज कार्बन के ऊपर? एक ये ऑक्सीजन है जो डबली बॉन्डेड है और एक दो ऑक्सीजन सेम है डाटा सिंगल बॉन्डेड। कार्बन इज हैविंग फॉर्मल चार्ज जीरो। ओके गुरसिमरन, नेक्स्ट के लिए निकालिए। फॉर द डबली बॉन्डेड एंड फॉर द सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स। कार्बन का फॉर्मल चार्ज जीरो है, राइट? अब एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आइटम है और एक सिंगली बॉन्डेड है। दिवनूर, फॉर विच ऑक्सीजन यू आर सेइंग जीरो? हमारे पास दो तरह के ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड के साथ है और एक सिंगल बॉन्ड के साथ है। सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन हैज प्लस माइनस वन चार्ज। ओके सो राइट, ठीक है बेटा। जो हमारे सिंगल बॉन्डेड है उसके ऊपर माइनस वन चार्ज आया, तो यानी कि अगर इसका माइनस वन है तो इसका भी माइनस वन होगा। तो माइनस वन एंड माइनस वन दे टुगेदर फॉर्म माइनस टू, ठीक है। जैकलिन कुछ नहीं किया बेटा, ये देखो इधर ऑक्सीजन का केस ले लेते हैं। ये वाला ऑक्सीजन देखो जो डबल बॉन्ड के साथ है और उसके ऊपर चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस अनशेयर्ड, जो आपने ये डॉट्स बनाए हुए हैं, लोन पेयर बनाए हैं, कितने हैं ये इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद माइनस हाफ इनटू शेयर्ड कितने हैं, इसने कितने शेयर किए हुए हैं? 1 2 3 और 4 शेयर किए हुए हैं इसने, तो 6 माइनस 4 माइनस 2, तो दिस इज 6 माइनस 6, दिस इज 0, ठीक है। तो आपका जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और जो कार्बन है, दे आर हैविंग फॉर्मल चार्ज जीरो। जो सिंगली बॉन्डेड है, दे बोथ आर हैविंग फॉर्मल चार्ज -1 -1, सो टुगेदर इट इज फॉर्मिंग -2, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपने निकालना है नाइट्राइट आयन के लिए, NO2 नेगेटिव के लिए, ठीक है, एंड ओजोन के लिए। For NO2 negative and for the ozone, NO2 के लिए निकालिए और ozone के लिए निकालिए, ठीक है। This is the concept of formal charge. अब उसके बाद आते हैं limitations of octet rule. Now, what are the various limitations of the octet rule? Octet rule आपको पता है, having 8 electrons in the valence shell, that is the octet rule. ठीक है? अब हमारे पास कुछ ऐसे compounds exist करते हैं जिनका octet ही complete नहीं होता है। Hydrogen के बाद we are having some elements, we are having some compounds that are not having the complete octet. For example, LiCl. लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है जी, BF3, AlCl3, दे ऑल आर द कंपाउंड्स दैट आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट आर हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, बट स्टिल ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बेरिलियम है,
कॉन्फ़िगरेशन इज 2 2, इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। क्लोरीन ने जब इसके साथ शेयरिंग कर ली तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी जब क्लोरीन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट यही अगर मैं बेरिलियम को देखूँ तो 1 2 3 4, बेरिलियम के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह गए बस, या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट इज नॉट 8, राइट। सो हेयर द सेंट्रल एटम इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4, बट स्टिल दिस कंपाउंड एग्जिस्ट, BeCl2। सिमिलरली BF3 इज ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। BF3 के केस में भी इट इज हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 3 आपने फ्लोरीन लगाने हैं इसके साथ, हर एक फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जैसे क्लोरीन का हुआ है, ओके। बाकी आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लेने हैं फ्लोरीन के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सेम फॉर हेयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप देख सकते हो हर एक फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट बोरोन रह गया, बोरोन इज हैविंग 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है बोरोन के पास तो, ओके। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, यहाँ पर ऑक्टेट रूल फेल हो गया। और ऑक्टेट रूल कहाँ पर फेल हुआ, इन केस ऑफ NO वेयर वी आर हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, NO के केस में हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन आता है, और कभी भी कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने हैं अनशेयर, दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करता है। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन, वी आर हैविंग सम ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, नाउ वी आर हैविंग सम ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 नाउ। एग्जाम्पल इज PF5, SF6, HCl6 भी ले सकते हो आप, SF6 भी ले सकते हो, IF7। सो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो आपका ऑक्टेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, 8 से ज़्यादा है। सो सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ SF6 की एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। सल्फर इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं सल्फर के। अब सिमिलरली वी विल बी राइटिंग नेक्स्ट 6 फ्लोरीन ऑल्सो, तो मैं फ्लोरीन के बाकी नहीं लिख रही हूँ, आपने वो बाकी ऐसे लिख लेने हैं एज इट इज। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन ने जब शेयरिंग कर ली, ये फ्लोरीन के बाकी हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, हर एक फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब यही अगर मैं सल्फर का केस देखूं, सी फॉर द सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, हर एक सल्फर के पास, सॉरी एक सल्फर है राइट, एक सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उसके, 12 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 8 इट इज हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिया ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का कंसेप्ट क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमेशा जो अनशेयर्ड होते हैं, जो खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेप्शनल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो NO एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है विच इज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इवन होने चाहिए हमेशा, 2 4 6 ऐसे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन,
बट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ऐसे भी। सिमिलरली वी आर हैविंग कंपाउंड्स दैट आर हैविंग एक्सटेंडेड ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इसमें 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये देख लो ना, यहाँ से 5 हैं, 5 टू जा 10 हो गया, 6 टू जा 12 हो गया, राइट, 7 टू जा 14। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल की क्या लिमिटेशंस हैं कि इसने शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया। अब इनकी शेप क्या है, क्यों ही ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, व्हाई दे आर हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन, राइट, व्हाई इट इज हैविंग ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें कहाँ से क्लियर होती हैं, शेप से। जब हमें शेप पता होगी तभी हमें पता होगा ना कि वो कैसे बॉन्डिंग में जा रहे हैं, राइट। तो ऑक्टेट रूल ने शेप्स के बारे में भी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया। एंड वन थिंग मोर, ज़ीनॉन एंड क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड क्रिप्टन जिनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, दे ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दे ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन लाइक जेड ई ओ एफ टू एक्स ई सॉरी ओ एफ फोर। तो ये ज़ीनॉन के भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, नोबल गैसेस तो कंबाइन ही नहीं करती हैं, सो हाउ दीज कंपाउंड्स दे आर फॉर्मिंग, ओके। सो नो एक्सप्लेनेशन बाय द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ने कहा था कि जो स्टेबल हैं वो नहीं किसी के साथ कंबाइन करेंगे, बट हमारे पास एक एग्जाम्पल है ज़ीनॉन की विच इज एक्चुअली द नोबल गैस हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, तो फिर ये क्यों कंबाइन कर रहा है with the oxygen and fluorine, okay? So here are the some of the limitations of the octet rule. And to overcome these limitations, अब जहाँ पर भी एक stop आ जाता है, कोई theory fail हो जाती है, तो वहाँ पर एक new theory जो है वो आती है, okay? एक new theory आएगी अब, that is the Vesper theory. That is the Vesper theory. Okay? अब Vesper theory ने क्या बताया था? So Vesper theory, it gives information about the shape of the molecules. ठीक है, कि molecules की क्या क्या shape है। अब इसकी full form क्या है? वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाउ मेनी थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ, इसके नेम से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इस थ्योरी में हमने कौन से इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसीडर करने हैं, सिर्फ वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब वेलेंस शेल की भी हमने क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है यहाँ पे, उनकी रिपल्शन फैक्टर, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, चाहे वो शेयर्ड पेयर है, चाहे वो शेयर्ड पेयर है, चाहे वो अनशेयर्ड पेयर है, अनशेयर्ड पेयर को हम लोन पेयर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली हम शेयर्ड पेयर को बॉन्ड पेयर कहेंगे। शेयर्ड पेयर मीन्स जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है वो शेयर्ड है, ठीक है, और जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है वो अनशेयर्ड है, या हम उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी आपको वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन फैक्टर को काउंट करके उनकी ज्योमेट्रीज देती हैं, उनकी शेप्स बताती हैं, ओके। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस थ्योरी इन डिटेल टुमारो।